चिड़िया की आम की खेती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में टुन्नी नाम की छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। टुन्नी एक जिज्ञासु और मेहनती पक्षी थी, जो हमेशा एक नए रोमांचक की तलाश में रहा करती थी। गर्मियों के मौसम में टुन्नी ने एक आम का पेड़ देखा, जो रसीले आमों से भरा हुआ था। उसके मन में एक विचार आया, वह अपनी खुद की आम की खेती की शुरुआत कर सकती है। उत्साहित होकर टुन्नी ने आम उगाने की सारी जानकारी इकट्ठा की, गांव के चारों ओर उड़ान भरी। उन्होंने स्थानीय किसान श्री गुप्ता से मुलाकात की, जो कृषक अपने विशाल ज्ञान के लिए जाना जाता है। श्री गुप्ता टुन्नी के महान आकांक्षा से आश्चर्यचकित थे, लेकिन मदद करने में प्रसन्न थे। उन्होंने टुन्नी को अच्छी मिट्टी और नियमित रूप से पानी डालने को कहा और आम के पेड़ों की उचित देखभाल करने को सीखा। टुन्नी ने बड़े जोश के साथ अपना प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उसे गांव के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला और उसने मिट्टी तैयार करना शुरू किया। उसने अपने चोंच से छोटे छोटे गड्ढे खोदे और जो आम के बीज इकट्ठा किए थे उसमें रोपे और उस गड्ढों को सावधानी से ढक दिया। वह हर रोज जल्दी उठती थी और एक छोटे से पत्ते की सहायता से पानी की बूंदों से बीजों को सींचती थी। दिन हफ्ते और महीने में बदल गए। टुन्नी ने धैर्य पूर्वक अपने आमों की देखभाल की, पेड़ों को कीड़ों से बचाया और सुनिश्चित किया कि उन्हें भरपूर धूप मिले। उसकी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। गांव के अन्य पक्षी और जानवर उससे प्रभावित हुए और उसकी मदद करने लगे। तोते ने पौधों से कीड़ा निकालने में मदद की, गिलहरी ने जड़ों के आसपास खुदाई करवाने में मदद की। जैसे जैसे समय बीतता गया, टुन्नी के आम के पौधे बड़े होने लगे, मिट्टी में छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। वह देखते ही देखते युवा पेड़ों में बदल गए। जब पहले फूल खिले, फिर छोटे छोटे आम खिले, तो पूरा गांव आश्चर्यचकित से देख रहा था। टुन्नी का सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल गया। एक दिन टुन्नी जब अपने पेड़ों की देखभाल कर रही थी, तभी उनकी मुलाकात श्री गुप्ता से हुई। वह फूले फूले आम के बगीचे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। टुन्नी, तुमने कमाल कर दिया, उन्होंने कहा, तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाई। हर गुजरते दिन के साथ आम बड़े रसीले और बड़े होने लगे। आखिरकार फसल काटने का समय आ गया। टुन्नी ने अपने सहेलियों की मदद लेकर पके हुए आमों को इकट्ठा किया। टुन्नी ने सफलता पर बहुत ही खुशी मनाई। उन्होंने एक भव्य दावत की आयोजना की, जहां सभी ने स्वादिष्ट आमों का आनंद लिया। साल बीतता गया, आम का बगीचा फूलता फलता रहा, गांव समृद्धि हुआ। टुन्नी को सभी लोगों ने समानता और प्यार देने लगे। उन्होंने एक साधारण विचार को वास्तविकता में बदल दिया, जिससे सभी के जीवन में खुशियां और मिठास आई। और इसीलिए टुन्नी अपने समुदाय के भावनाओं के साथ हमेशा खुश रहती थी, हमेशा अपने प्यारे से आम के बगीचे में उड़ती रहती थी।